हिंदुस्तान के टीवी पर प्रोग्राम से देखें पाकिस्तान के ऊपर क्या कर रहे हैं। अच्छा कि जी भीख मांगने के लिए निकले हुए हैं, मुल्क में पैसा नहीं है, डॉलर सब दुनिया के सामने है, अब तो कोई चीज छुपती नहीं है ना। आप गूगल करें तो पता चल जाएगा पाकिस्तान के हालात। रुको जरा, अप्पू आ रहे हैं। तेरा बाप आया। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। वाह मोदी जी वाह। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। वाह मोदी जी वाह। ठीक किया कि नहीं किया? यस। ठीक किया कि नहीं किया? यस। आप खुश हैं? यस। अब इस तरह इंडस मोटर्स ने अपना प्लांट बंद कर दिया। अच्छा। सुजुकी ने अपना प्लांट बंद कर दिया। ठीक है। एयरलिफ्ट ने अपने जो ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान में बंद कर दिए। ठीक है। SWVL ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। ठीक है, समझ गया। कार फर्स्ट कंपनी ने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। समझ गया। लिली रिसर्च लेबोरेटरीज ने अपने प्रोडक्शन यूनिट्स पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए। इन हालात ऐसे ही बता रहे हैं कि सब कुछ बिकेगा यहाँ पे। उबर ने लाहौर के अलावा पूरे पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। अच्छा। ये तकरीबन 20 कंपनीज हैं और मिल्स हैं जिनका मैंने आपको बताया। देखिए, इट्स सो सैड। आज जो पेट्रोल है 225 रुपए फी लीटर, डीजल 250 रुपए फी लीटर, आटे की 20 किलो की बोरी 2500 रुपए की, 20 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं जिससे जराइम भी बढ़ रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी अगर मैं सुनाऊं या कोई हिंदुस्तानी सुनाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रोपेगेंडा है, झूठ भी हो सकता है, साजिश भी हो सकती है, जो कि अक्सर पाकिस्तानियों के खिलाफ होती रहती है। बेचारे इतने मासूम हैं, इनके खिलाफ कोई भी साजिश कर देता है। अरे बाबा, पाकिस्तान कितना बिक चुका है और पाकिस्तान कितना बचा है, इसकी सारी कहानी आपकी फेवरेट फिजा खलीफा देगी। और जो फिजा लवर है वो जरूर टिके रहना, लेकिन इससे पहले हम सुनेंगे एक गाना। कभी कभी तो गैस आए, कभी कभी ये रोटियां पकाए, कभी कभी तो गैस आए, कभी कभी ये रोटियां पकाए। फकत मेरे घर से मुक जाइएगा, हे आटा मुबारक टुकर खाइएगा। हाय 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 आटा। गाड़ियां इंपोर्ट करने वाली बहुत सी कंपनियों ने अपने शोरूम्स बंद करने का फैसला कर दिया। अच्छा, इसके अलावा बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना काम बकायदा बंद किया। बोलान कंपनी जो ट्रैक्टर बनाती थी, उसने भी अपना काम बंद करने का फैसला कर लिया। फूड डिलीवरी कंपनी एक है, उसने अपने ऑपरेशंस पूरे पाकिस्तान में मुअत्तल कर दिए। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कपड़ा बनाने वाली कंपनी है जी, कोहिनूर जो मिल्स हैं, उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन को बंद कर दिया। बिस्मिल्ला स्टील फूलनगर ने भी अपने 5 कारखाने बंद कर दिए। क्रीम ने अपना फूड डिलीवरी का बिजनेस पाकिस्तान में बंद कर दिया। अच्छा, मिल्लत ट्रैक्टर कंपनी, उसने भी अपनी प्रोडक्शन जो डिमांड है कम होने की वजह से रोक दी। अच्छा जी, एक टेक्सटाइल मिल है, सेफ टेक्सटाइल मिल जो है, उन्होंने भी अपना काम मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। और जब काम बंद होता है आपको पता है मुलाजमीन भी फारिग हो जाते हैं। अच्छा जी, हाईटेक फीस लिमिटेड ने मुस्तकिल तौर पर फैक्ट्री बंद करने का ऐलान करते हुए तमाम मुलाजमीन को फारिग कर दिया। सूरज कॉटन मिल्स ने अपनी 60% प्रोडक्शन मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। ये तकरीबन 20 कंपनीज हैं और मिल्स हैं जिनका मैंने आपको बताया। अब अंदाजा करें, ये 20 कंपनीज नहीं है सिर्फ, 20 मिल्स नहीं है सिर्फ, इसमें कितने लोग काम करते हैं जरा सोचें, हजारों नहीं लाखों, और लाखों अफराद इन 8 महीनों में बेरोजगार हो गए हैं। मतलब समझते हैं आप लोग कि 8 महीनों में लाखों लोग नौकरी से चले गए, बेरोजगार हो गए, लाखों खानदानों के चूल्हे ठंडे हो गए, किसी को दुख है, अफसोस है, तकलीफ है। हुकूमती कारकर्दगी ये है कि आज जो पेट्रोल है 225 रुपए फी लीटर, डीजल 250 रुपए फी लीटर, आटे की 20 किलो की बोरी 2500 रुपए की, यूरिया खाद की बोरी
2400 की मिल रही है, घी 500 रुपए फी किलो, गंदम की बोरी की कीमत 4000 रुपए तक पहुंच गई है, डॉलर 230 का, और मार्केट से वैसे ही गायब है, और बैंक के जो रेट हैं और जो ओपन मार्केट है उसमें बकायदा 35 रुपए का फर्क है। सेहत कार्ड बंद हो चुके हैं, लंगर खाने पनागाहें बंद हो चुकी हैं, पाकिस्तान की GDP जो है 6% से 0.5% पर आ चुकी है, महंगाई की शरह 23% से ज़ायद हो चुकी है, एक्सपोर्ट्स 2.4%, इम्पोर्ट्स 5.2%, सोना फी तोला 1,80,000 से ज़ायद का मिल रहा है, फैक्ट्रियां मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर रही हैं, 20 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो हमें तो ये कहा जाता है वहाँ पे बड़ा जुल्म है, वहाँ पे बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है, वहाँ आटा 25 रुपए किलो मिल रहा है आज भी। आज हमारे पाकिस्तान के अंदर आटे का क्या रेट है? 160। फिर वो बेहतर है ना, फिर हमारा जब यहाँ से चोरी करके बेच दिया जाएगा यहाँ के मुसलमान भूखे मरेंगे। पूरी दुनिया में मजाक नहीं बन गया? मजाक नहीं, एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था, एटमी ताकत को यहीं चला लो, फिर पाकिस्तान ही उड़ जाए, खत्म हो जाए कहानी भाई। क्या एटमी ताकत इधर पाकिस्तान में चला लो? चला लो, खत्म हो जाएगी। इतने तंग क्यों आ गए हैं पाकिस्तान से? देखें हमें तो फखर है पाकिस्तान। मेरी एक बात सुने छोटी सी, आटा 160 रुपए किलो है, एक मजदूर की 500 रुपए दिहाड़ी है, वो 2 किलो आटा घर लेके जाए, 300 रुपए की सब्जी लेके जाए, बिजली का बिल, गैस का बिल, किराया घर का, बच्चों की फीस, मुस्तकबिल है ही नहीं बच्चों का, ये छोटी बच्ची है, ये यहाँ क्या कर रही है, इसकी हालत देखी है आपने? बच्चे क्या कर रहे हो इधर? मास्क बेच रहे हैं, बराए नाम बेच रहे हैं, शायद बच्ची को बुरा लगे, वैसे अगर लेट्स सपोज मास्क भी बेच रहे हैं तो भी इसके साथ ना इंसाफी है, लेकिन ओरिजिनली ये मास्क नहीं बल्कि यहाँ पर भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है, नई जनरेशन की कोई मुस्तकबिल नहीं है, आटा हो सकता है कि अब बढ़ जाए 200 रुपए जाए, कहा जा रहा है मजीद बढ़ जाएगा, तो गरीब आदमी फिर आटे के लिए हम एक दूसरे से लड़ेंगे? अभी भी लड़ रहे हैं, लोग मर नहीं रहे, लाइनों में लगे हुए हैं, लाइन तो तू अगे क्यों आ गए तो मैं क्यों अगे आ गया? ठीक है। इंडिया से जो मुसलमान लोग देख रहे हैं या कोई भी लोग देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे, मतलब क्या वो सोच रहे होंगे कि हमने अच्छा किया? हाँ, वो ये सोच रहे हैं कि अच्छा किया हम पाकिस्तानी के, जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ हम पाकिस्तान नहीं गए। हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वो तो अभी भी जाके यूनाइटेड नेशन में नारा लगाते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान पे मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा? ये जुल्म है, अभी इसको जुल्म नहीं कहा जाएगा कि 160 रुपए आटा है और 3-4 रोटियां एक आटे से बनती हैं, ऑलमोस्ट 5 बन जाती होंगी, तो वो एवरेज निकाले तो 30-25 रुपए की रोटी पड़ रही है। ठीक है, अगर गैस भी डालें सारा कुछ डालें, जो सियासतदान मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे किसी भी पॉलिटिशियन से पूछ लो, सियासतदान से, उन्हें कुलवल्ला ठीक नहीं आती है। सोशल मीडिया पे अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी सियासतदान है कोई सूरत पड़ रहा है उस आदि खा गया। आज हमारे यहाँ पूरा दिन बहुत म्यूजिक बजता रहा है, रात को भी बज रहा है, इसलिए मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते चले जाना, ठीक है? आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।